देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब लगातार स्वच्छता में 5 बार पंक्ति लगा चुका है और उसकी तैयारी आगे भी जारी है। लेकिन महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि स्वच्छ शहर में अवैध निर्माण होने नहीं देंगे। बीते दिनों एवी रोड पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में पुष्पमित्र भार्गव ने कहा इंदौर में अब नया कोई अवैध निर्माण नहीं होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार इंदौर में अवैध निर्माण हो रहे थे और उनको लेकर पुष्पमित्र भार्गव ने एक बयान दिया है कि नए अब अवैध निर्माण नहीं होगा और जो अवैध निर्माण करेगा उसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलेगा। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ महापौर पुष्पमित्र भार्गव एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। बीते दिनों एवी रोड के मॉल पर हुई कार्रवाई के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि अब अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं है, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माणों पर निगम के बुलडोजर पूरी सख्ती के साथ चलाए जाएंगे। जिस तरह से कार्रवाई की गई है वही ऐसे सभी अवैध निर्माण करने वालों के लिए चेतावनी और सबक भी है। महापौर के मुताबिक यह सही है कि शहर में कई पुराने अवैध निर्माण मौजूद हैं, मगर हमारा प्रयास अब यह रहेगा कि कोई नया अवैध निर्माण ना हो। उसके लिए सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे विधिवत नक्शा मंजूर करें और कार्य पूर्णता अधिभोग प्रमाण पत्र का सख्ती से पालन भी करवाएं। अब यह देखना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम एक के बाद एक कार्रवाई करती है, क्योंकि इंदौर में कई ऐसे अवैध निर्माण बने हुए हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।